सड़क एक शहर की लाइफलाइन होती है। कोई कार्यालय हो या पर्यटन स्थल, बाजार या धर्म स्थल, हर जगह पहुंचने का जरिया है सड़क। रोजाना शहर के लाखों लोग इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, पर देश और लोगों की बढ़ती रफ्तार की तुलना में कहीं ना कहीं उदयपुर की सड़कें और यातायात सुविधाएं धीमी नजर आ रही थी। पहले जो सिटी का कोर है, हार्ट है, जहाँ हर आदमी जाना चाहता है, पिछोला, आपकी फतेह सागर, जगदीश मंदिर, वो सिटी, वो इतना क्राउडेड शहर है कि वहाँ पर खुद का व्हीकल ले जाना बहुत ही टफ पार्ट हुआ करता था। स्मार्ट सिटी से पहले आप देखिए, सिटी में कोई भी सिटी बस इंट्रोड्यूस नहीं थी उदयपुर शहर में। जो मोबिलिटी को लेकर जो कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, इसमें हमने सर्विस रोड्स बनाई हैं, हमने इसमें फुटपाथ बनाए हैं, हमने इसमें स्मार्ट एलिमेंट्स सारे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ITMS हम इसमें लाने वाले हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर भी, और सिटी के स्टूडेंट्स को, लेबर को, टूरिस्ट को, और साथ में हॉस्पिटल से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को, प्रयास यही है कि हर कंपोनेंट को हम टच करें। मोबिलिटी की सही परिभाषा को समझते हुए USCL ने शहर के हर मुख्य मार्ग को विकसित किया और ऐसी सुविधाओं का सृजन किया जो हर यात्री को लाभान्वित करे। दो स्मार्ट रोड्स बनाई गई, हर जरूरी मार्ग पर सिटी बस सुविधा शुरू की गई, 100 बस क्यू शेल्टर्स, मुख्य स्थलों पर मल्टी लेवल पार्किंग्स, और लोगों के बीच साइकिलिंग को पुनर्जीवित करने के लिए पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सुविधा शुरू की गई। आपके शहर की मोबिलिटी अच्छी है तो वो फुटफॉल वापस मार्केट में भी बढ़ेगा। अगर शहर की मोबिलिटी अच्छी है तो टूरिस्ट भी उस शहर में उसी लेवल से आकर और उतना ईज फील करेगा व्हीकल पार्क करते वक्त, चलते वक्त, रोड पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा मानना है कि दोनों ही कंसेप्ट को क्लब करते हुए कि लोकल रहने वाले लोगों की भी इकोनॉमी बूस्टअप हो और बाहर से आने वाले लोगों को भी एट ईज मिले व्हीकल में, चलने में, रोडों पर। एक बस के अंदर में अगर हम 50-60 सवारियाँ बैठ सकती हैं और एक ऑटो के अंदर में हम 5-7 सवारियाँ बैठती हैं तो उससे नंबर ऑफ ऑटो ज़्यादा हो जाते हैं। बस के जरिए से आप ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। मोबिलिटी के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य का मेल उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित सेवाओं में देखा जा सकता है। आज उदयपुर के पैदल चालक हो या गाड़ियाँ, साइकिल हो या सिटी बसेस, सभी अपनी गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।